देश में तभी ऐसे होते हैं जब एक डीजीपी यहां में सल रहा था, यूपीएससी से सिलेक्टेड डीजीपी, रातारात आप खाली कीजिए, इंसर्ट डीजीपी को लेके आइए, मतलब आपके लिए वही काम करेगा। मैं चुनाव आयोग को एडवांस रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा डीजीपी नहीं चल सकते, चुनाव ऐसा डीजीपी का अंदर में नहीं हो सकता है जो डीजीपी निरस्त लोगों का ऊपर टीयर गैस चलाता है, लाठी चलाता है, बारबेड वार का फैंस लगाते हैं। क्या युवाओं का अधिकार नहीं है? किसने बोला था 5 लाख नौकरी दूंगा? क्या हमने बोला था? आपने बोला था? अगर आप बोलते थे, अगर आप बोला होता, बोला है, तो आपको तो जवाब देना ही है। यही तो गणतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी है। बालू फ्री देगा क्या? ये बीजेपी ने बोला है, आप बोला है बालू फ्री दूंगा, अब क्यों बालू नहीं दे रहा है अभी? तो ये झारखंड में सरकार नहीं चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रहा है। डीजीपी साहब चल नहीं पाएगा आप ऐसे, आप गलत जगह में हाथ लगा दिया, ऐसे नहीं होते। वो दिन चला गया कि हेमंत सोरेन जी सबको रक्षा करके रहेगा, वो नहीं हो पाएगा। भारत में कानून का राज है, भारत में संविधान का राज है। तो मैं डीजीपी साहब को चैलेंज करता हूं, 3 दिन में आप 12,000 लोगों का नाम दीजिए, नहीं तो सारा झारखंड का युवाओं को ब्लैकमेल करने के लिए आपने ये दस्तावेज जो बनाया है, हम लोग कोर्ट में भी लेके जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी लेके जाएगा। डीजीपी को लेकर जो बातें आपने कही, चुनाव आयोग में हम लोग जाऊंगा, भाई ऐसा डीजीपी चुनाव नहीं चला पाएगा। जो डीजीपी 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर एफआईआर करता है, उनको चुनाव चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सबका फोन ऑन देख ही रहा है, वो भी मेरा मालूम है, किसलिए मेरा पास भी एक तंत्र है, वो तो जो कर रहा है कर रहा है। टैपिंग नहीं, वो उनका भी सिस्टम होते है, ट्रैक करता है, टैपिंग थोड़ा अलग बात होता है, वो ट्रैक करना काम तो कर ही रहा है, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन 12,000 अज्ञात युवाओं का नाम में आप कैसे एफआईआर कर सकता है, बोलिए? क्या एक युवाओं का नाम आपने वीडियो से निकाल नहीं पाए? ठीक है, वो भी तो गलत है ना, बीजेपी का कार्यकर्ता बनना एक डीजीपी को, तो उसी का साझा हो जाए। एक आईपीएस ऑफिसर ना बीजेपी का कार्यकर्ता बनना सही है ना जेएमएम का। अगर पहले उनका ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता होने का अभियोग है, मतलब आप सोच लीजिए लोग कितना डेंजरस होगा। ये ग्राउंड अगर आपने बोला अच्छा किया, वो भी अभियोग नामा में लिखूंगा मैं इलेक्शन कमीशन को कि पहले ये डीजीपी का ऊपर बीजेपी का भी कार्यकर्ता होने का अभियोग था, ये बात मैं जरूर इंक्लूड कर दूंगा। हाँ, इसको भी हम लोग लिखूंगा कि जो व्यक्ति राज्यसभा चुनाव प्रभावित करने का कोशिश किया था, जो भी पार्टी के लिए हो, और बीजेपी का कार्यकर्ता का हिसाब से काम किया था, अभी रात रात अपना यूनिफॉर्म चेंज करके जेएमएम का कार्यकर्ता हो गया, उनको तो चुनाव चलाने का कोई अधिकार ही नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सेटल हो गया। झारखंड का युवाओं का अधिकार के लिए हमारे लोग जेल जाना है, जेल भी जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया? 12,000 अज्ञात लोगों का खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मतलब क्या है? अगर हेमंत सोरेन सरकार आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मैं खाली एक आर्गुमेंट के लिए बोल देता हूं, हर युवाओं को जो भी आवाज उठाएगा पकड़ के यही केस में गिरफ्तार कर देगा। मतलब सारा झारखंड का युवाओं को आज एक ब्लैकमेल का दायरे का अंदर लेके आया है। जो भी सरकार का खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा, यूट्यूब में लिखेगा, सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, कुछ भी आवाज उठाएगा, यही केस में गिरफ्तार कर लेगा। और केस कैसा डाला है?
सारे सेक्शन डाला है वो नॉन अवेलेबल है, मतलब 12,000 कुन जुबा है, कोई नाम नहीं है, अज्ञात, मतलब जो भी आवाज उठाएगा आप लोगों को, आप लोग भी आवाज उठाएगा, आप लोगों का नाम भी ये 12,000 में एक हो जाएगा। जालियाना बाग में भी ब्रिटिश ने ऐसा एफआईआर नहीं लॉस किया था। बंधुगण, आज झारखंड में ऐसा हालत है कि आप पूछ भी नहीं सकते। झारखंड का युवा लोग आया, युवा आक्रोश रैली करने के लिए कि भाई हमें नौकरी कब मिलेगा। उनको उत्तर कैसे मिला? टीयर गैस से, लाठी सार से, कि आप मुझे प्रश्न मत कीजिए, आपका अधिकार नहीं है मुझे प्रश्न करने के लिए, मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं लगभग भगवान हूं, आप मुझे प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन अगर मैं नहीं भी दूंगा, दूसरा दिन भी आपको मंदिर आना है, आप मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, मैं भगवान बन चुका हूं। युवा आते हैं आक्रोश रैली करने के लिए, आपका आप मान और अभिमान लेके आपका पास आते हैं, मन का दुख लेके आपका पास आते हैं, और आप कैसे जवाब देते हैं? मैंने जीवन में हमें भी बहुत ज्यादा संग्राम देखा हूं। हम असम से आया हूं, 30 साल से हम लोग अल्फा का साथ जूझ रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा बैरिकेड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बैरिकेड का ऊपर बार वेयर, उसका बाद बाबूलाल मरांडी जी भाषण देते रहते हैं, आपका टीयर के सालू हो जाते हैं। मैंने टीवी में लाइव देख रहा था, मोराबादी ग्राउंड में सभा चलते हैं, सभा बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चलते हैं, और उसी समय आप टीयर गैस फायर कर देते हैं। पूरा झारखंड आज यही बात हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है कि हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? आप देखिए, अगर झारखंड का युवाओं को नौकरी में नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये बात कभी हमने नहीं बोला, और हमने हेमंत सोरेन जी को प्रेरित भी नहीं किया था कि आप ऐसा बात बोलिए, लेकिन आपने ये बात कहाँ बोला? वीर शहीद निर्मल महतो की आप जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल जाके आपने पन लिया कि 5,00,000 नौकरी में नहीं दे पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का आप इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा, इसलिए मेरा जितना जानकारी है नवंबर में चुनाव होना है, अक्टूबर में झारखंड का जो शासन लगभग इलेक्शन कमीशन का हाथ में चला जाएगा, आपका हाथ में सितंबर महीना है, आप सितंबर महीना में भी पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम आप आपका रिटायरमेंट डेट हमें बता दीजिए कि हम 30 सितंबर को या 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती का दिन होगा, अच्छा होगा, आप राजनीति से संन्यास लेने का आपका ही जो निर्णय था इसको आप विधिगत रूप से आप इसको क्रियान्वित करने का काम कीजिए। किसलिए? मेरा पिता का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन आपका पिताजी झारखंड का और देश का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अगर शिबू सोरेन जी का बेटा अपना वादा नहीं निभा सकता है तो कौन ये वादा निभाएगा? आज झारखंड
हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है। जब मैंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया उनको अच्छा नहीं लगा। आज रांची से डॉक्टर को अलकायदा का साथ इन्वॉल्व होने के लिए डॉक्टर का गिरफ्तारी होते हैं। झारखंड हाईकोर्ट बोलते हैं घुसपैठी हो रहा है, फंडामेंटलिज्म का काम बढ़ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज क्या हुआ, रांची शहर से ही डॉक्टर अरेस्ट होते हैं कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साथ जुड़े हुए था, जेहाद फैलाने का कुकर्म झारखंड में शुरू कर रहा था।